हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जेई की फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। यहाँ पर मैंने आप सभी लोगों को एक दो दिन पहले ही बता दिया था कि भाई जेई का नोटिफिकेशन आने वाला है और फाइनली दोस्तों इसका फुल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। डिटेल एडवर्टीजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों ये जो पीडीएफ है वो 73 पेजेस की ये पीडीएफ है, जिसे मैं कोशिश करूँगा कि 7-8 मिनट में ये पूरी पीडीएफ में आपको जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें सब बता दूँ। वीडियो की स्पीड 2.0 कर लीजिए ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव हो सके। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैं सब बता दूँगा। देखिए सबसे पहले तो एडवर्टीजमेंट नंबर है CEN-03/2024। देखिए चलिए अब बात कर लेते हैं इस दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो 30 जुलाई को इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। 29 अगस्त तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और जो मॉडिफिकेशन विंडो है वो 30 अगस्त को ओपन हो जाएगी 8 सितंबर तक। देखिए यहाँ पे कुछ केमिकल सुपरवाइज़र रिसर्च मेटलर्जी सुपरवाइज़र की अलग से वैकेंसी, जिसमें लेवल 7 का पे स्केल होगा जो सिर्फ आरआरबी गोरखपुर के लिए है। बाकी जूनियर इंजीनियर जो बाकी और ब्रांचेस के लिए जो वैकेंसी है उनमें लेवल 6 का पे लेवल होने वाला है। 35,400 आपका बेसिक होगा। 18 साल से 36 साल के उम्मीदवार फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। टोटल बात कर लेते हैं दोनों को मिला के तो 7951 पोस्टें हैं। और बात कर लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसका फिलअप किया जाएगा। कोई भी कैंडिडेट सिर्फ एक जोन में फॉर्म को भर सकते हैं, एक ही आरआरबी में फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है चलिए और इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लेते हैं। जो आपका एज का क्राइटेरिया होगा वो 1/1/25 के हिसाब से 18 साल से 36 साल के बीच में होना चाहिए। जो एज सिलेक्शन होगा ओबीसी को 3 साल का, एसएसटी को 5 साल का मिलेगा। और यहाँ पर बोला गया कि भाई जो आपका स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन होगा, 2 स्टेज में आपका एग्जामिनेशन होगा फॉलोड बाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। और जो सेकेंड सीबीटी के लिए आपका कैंडिडेट का शॉर्टलिस्टेड होंगे वो 15 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी भी आरआरबी में सपोज मान लीजिए 30 वैकेंसी है तो आपको फर्स्ट सीबीटी के बाद सेकेंड सीबीटी के लिए मल्टीप्लाई बाय 15 तो 450 कैंडिडेट को सेकेंड सीबीटी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो मतलब 15 गुना कैंडिडेट को सेकेंड सीबीटी के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। देखिए और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी होगा, 1/3 की यहाँ पर आप सभी लोग के लिए निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है चलिए और इम्पोर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फॉर्म फ़ीस की। तो 250 रुपये यहाँ पर फॉर्म फ़ीस की तो आगे बात करेंगे। अगर आपका कोई मॉडिफिकेशन हुआ, मतलब आप जब मॉडिफिकेशन लिंक ओपन होगा 30 अगस्त को, तो आप 250 रुपये पर मॉडिफिकेशन आपको पे करना होगा। तो फॉर्म को सही से भरिएगा, पूरे होशो हवास में भरिएगा, पूरे अटेंटिव मोड में भरिएगा ताकि आपको फालतू के पैसे पे ना करना पड़े। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर कोई भी डाउट होगा तो आपके पास यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं और इन फोन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं 10 सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड्स की वगैरह की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका A3 लेवल का मेडिकल होना चाहिए, जिसमें आपका ये डिस्टेंस विजन, नियर विजन और मस्ट पास फॉर कलर विजन नहीं होना चाहिए और यहाँ पर नाइट विजन नहीं होना चाहिए, मेसोपिक विजन नहीं होना चाहिए। तो ये आपका देख सकते हैं कि आपका नियर विजन वगैरह की पावर वगैरह दी है। तो आप ये सब चीज़ें चेक भी करा सकते हैं आप डॉक्टर से कि आपका इतना विजन है या नहीं है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओबीसी को 3 साल का एलिशन, एसटीसी को 5 साल का एलिशन, इससे मैंने ऑलरेडी बता दिया। और पहले ही मैंने बता दिया था कि भाई आपका जो एज इलेक्शन होता है बता दिया, 18 साल से 36 साल के उम्मीदवार इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये पूरा एज इलेक्शन की डिटेल्स है जो मैंने ऑलरेडी बता के रखा है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म फ़ीस की। देखिए फॉर्म फ़ीस है 500 रुपये और 400 रुपये आपको रिफंड हो जाएंगे जब आप पहले सीबीटी में अपीयर हो जाओगे। सेम वैसे ही 250 रुपये फॉर्म फीस है SC/ST और PWD कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी ट्रांसजेंडर के लिए। और जैसे ही आप फर्स्ट CBT दोगे तो 250 रुपये आपकी जो फॉर्म फ़ीस है वो आपको रिफंड हो जाएगी। चलिए अब और इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लें। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो आपका पहले फर्स्ट CBT होगा, फिर सेकेंड CBT होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, देन आपको फाइनल जॉब दिया जाएगा, जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है वो प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए फर्स्ट CBT की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट CBT आपका 90 मिनट का होगा और 120 मिनट उनको मिलेंगे जो PWD कैटेगरी के कैंडिडेट है। ठीक है और 100 क्वेश्चन इसमें टोटल आएंगे। फर्स्ट CBT होगा बेसिकली ये स्क्रीनिंग है, CBTs ऑफ स्क्रीनिंग नेचर होगा। इसके बाद सेकेंड CBT में दोस्तों आप सभी लोगों को बता दिया मैंने कि देखिए अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट CBT में क्या क्या आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, जनरल साइंस आएगा। ठीक है अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो डिवाइडेशन है, देखिए मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन और जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का यहाँ पर पेपर होने वाला है। मार्क्स फॉर ईच सेक्शन CBT 1 में आप देख सकते हैं 30 नंबर रीजनिंग के, 25 नंबर जनरल रीजनिंग के, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन और जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन। तो 100 यहाँ पर मार्क्स फॉर ईच सेक्शन आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का आपका पेपर होगा। ठीक है चलिए अब बात करें। देखिए मिनिमम 40% UR के लिए पासिंग मार्क, IEEE के लिए 40% मार्क, लेकिन ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। आपको 15 गुना कैंडिडेट्स में अगर आप आएंगे तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है सेकेंड CBT की बात कर लेते हैं। तो 120 मिनट का आपका पेपर होने वाला है,
ठीक है, मतलब 2 घंटे का पेपर होगा और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी होगी उनको 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं तो 150 क्वेश्चन होंगे। सिलेबस आपका देख सकते हैं, द क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस और लाइकली टू इंक्लूड क्वेश्चन पर्टेनिंग टू जनरल अवेयरनेस फिजिक्स केमिस्ट्री बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, ये सबसे क्वेश्चन आएंगे। देखिए अब सिलेबस की बात कर लेते हैं, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अप टू 10th स्टैंडर्ड CBSE सिलेबस की, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्निकल एबिलिटीज के क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड CBT के 15 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस फिजिक्स केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के 10 क्वेश्चन, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के 10 क्वेश्चन, टेक्निकल एबिलिटीज़ के 100 क्वेश्चन होंगे, मतलब टेक्निकल नॉलेज के 100 क्वेश्चन होंगे। टोटल 150 मार्क्स का यहाँ पर आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। चलिए अब इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात है कि आपका पूरा सिलेबस दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, ये सब अलाइन ब्रांचेज हैं, ठीक है, आप ये इन्हें भी देख लीजिएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है भाई कि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा और ये सब फार्मूला आप नॉर्मलाइजेशन में वर्क करेगा, तो ये सब भी चीज़ आप ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करें। यहाँ पर PDF में विभिन्न RRB की ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है, जो भी आपकी अहमदाबाद, चेन्नई, मुजफ्फरनगर, ये सारी RRB की वेबसाइट दी हुई है, आप इसमें भी जाके अपना सब चीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। SC/ST के कैंडिडेट्स के लिए फ्री ट्रैवल फैसिलिटी होगी, इन्हें जिस भी जा रहे हैं वो पेपर देने, उसका टिकट वगैरह आप अपना रख लेके जाएं, तो आपको यहाँ पर आपका जो भी होगा रिफंड आपको मिल जाएगा। PDF में दोस्तों देखिए यहाँ पर सभी ब्रांचेस के लिए अलग अलग सिलेबस दिया हुआ है। इलेक्ट्रिकल के लिए बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, AC फंडामेंटल, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, सिंक्रोनस मशीन, एस्टीमेटिंग कॉस्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बेसिकली SSC JEE का पूरा सिलेबस इन्होंने कॉपी पेस्ट करके रख दिया RRB JEE के लिए, ठीक है। तो ये SSC का ही पूरा सिलेबस है, तो उस हिसाब से तैयारी भी करते रहिए आपका। जो लोग SSC की ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं और कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा टेक्निकल में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब चीज़ मेंशन की गई है कि आपका जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जो पोस्टें हैं, चाहे आपका EMU है, R&D में है, TRD में है, वर्कशॉप में है, जूनियर इंजीनियर की आप अलग अलग से देखिए। यहाँ पर कुछ B1 कहीं कहीं पे आपका B1 दिया हुआ है मेडिकल स्टैंडर्ड, कहीं कहीं पे B2 दिया हुआ है, तो अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे ऐसा नहीं कि A3 का ही मेडिकल स्टैंडर्ड, हर जगह का मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं। और यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन देखिए दिया हुआ है 3 ईयर्स डिप्लोमा दिया हुआ है मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी दी हुई हैं। हर देखिए आप देख सकते हैं हर जूनियर इंजीनियर के लिए जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं रेलवे के अंतर्गत, वो सब का मेंशन किया गया, उसे आप देख सकते हैं। और मतलब हर डिपार्टमेंट में देखिए अब पूरी वैकेंसीज दी हुई है कि भाई जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में, जनरल सर्विसेज में कितनी कितनी, WR रीजन में कितनी है, और सभी रीजन्स के लिए यहाँ NWR में कितनी, WCR में कितनी, तो सभी रीजन्स में अलग अलग वैकेंसीज़ यहाँ पर इन्होंने दी हुई है। आप इसे एक बार कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं, बाकी ब्रांचेज मैकेनिकल के लिए कितनी, SNT के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं, इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग। ये लिस्ट काफ़ी लंबी है दोस्तों, तो एक वीडियो में ये छोटे से वीडियो में कवर करना पूरा मुश्किल है कि मैं आपको एक काउंट करके बताऊं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। बाकी देखिए सब पूरा डिटेल्स पूरा दिया हुआ है, जैसे RRB तिरुवनंतपुरम का, ठीक है, RRB सिलगुड़ी का, मतलब हर का आप एनालिसिस, RRB सिकंदराबाद का, RRB रांची का, देखिए RRB प्रयागराज, इलाहाबाद जोन का भी देखो दिया हुआ है। इलेक्ट्रिकल के लिए देख सकते हैं आप कि डिज़ाइन ड्राइंग में 13 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल के लिए 3 यहाँ, फिर है EMU एंड TRS में 21 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिक TRD के लिए 25 वैकेंसीज है, ठीक है। तो यहाँ पर सिविल देखिए, अब सिविल के लिए यहाँ पर 94 है, ये सिविल के जूनियर सिविल इंजीनियरिंग के लिए, फिर 19 है, 31 है, 59 है, ट्रैक मशीन के लिए 45 है, मैकेनिकल वालों के लिए 6 है। तो आप अलग अलग से डेटा देख सकते हैं, पूरा डेटा मेंशन किया गया RRB पटना के लिए अलग वैकेंसीज है। तो ये नोटिफिकेशन दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर वीडियो अपलोड होने के 10 से 15 मिनट बाद मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, कोई भी अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात कोई छूट गई है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ हमें जाननी चाहिए या फिर ये चीज़ मैं बताना भूल गया, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, जो भी कमेंट्स रहेंगे मैं आप सभी लोग को जरूर बता दूंगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो बस इतना, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी नेक्स्ट टाइम।